हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन केनेडी एंड लेसिस थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लेसिस थ्योरी के बारे में, उसके बाद हमने बात की केनेडीज थ्योरी के बारे में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इन दोनों थ्योरी को एक साथ और देखेंगे इन दोनों थ्योरीज में आखिर क्या डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे केनेडी और लेसिस थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है, डिस्कस करेंगे इस थ्योरी को पॉइंट वाइज पॉइंट। तो देखें जरा, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिज्म चैनल के बारे में कि केनेडी के अकॉर्डिंग रिज्म चैनल की डेफिनेशन क्या थी और लेसी ने रिज्म चैनल को किस तरीके से डिफाइन किया था। तो अगर हम बात करें केनेडी के रिज्म चैनल की, तो केनेडी ने बताया कि ऐसी चैनल जिनमें ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना स्कोरिंग हो रही हो, ऐसे चैनल हमारी क्या कहलाती है, रिज्म चैनल कहलाती है। लेकिन लेसी ने वहीं पर बताया कि ऐसी चैनल जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो रिज्म में हो। तो इसलिए लेसी ने रिज्म की कंडीशंस डिफाइन की, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहले इनिशियल रिज्म में के बारे में, फिर उन्होंने डिफाइन किया फाइनल रिज्म के बारे में, फिर उन्होंने बताया ट्रू रिज्म के बारे में। तो क्या क्या बताया देखें, अगर हम बात करें इनिशियल रिज्म के बारे में, कैनेडी ने बताया कि जब हमारा वाटर फ्लो होता है किसी चैनल में, तो चैनल में जब वाटर फ्लो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका जो बेड स्लोप है, उसका जो बेड स्लोप क्या होगा, हमारा वेरी करता है यानी इंक्रीज होता है, और बेड स्लोप इंक्रीज होने के कारण उस चैनल में जो हमारी डेप्थ है, चैनल की डेप्थ, तो वो भी हमारी क्या होती है, धीरे-धीरे इंक्रीज करती है। यानी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनिशियल रिज्म एक ऐसी इनिशियल स्टेबिलिटी है चैनल द्वारा जो लाई जाती है, जिसमें बेड स्लोप और डेप्थ हमारी क्या करती है, वेरी करती है, लेकिन बिट ऑफ चैनल, जो चैनल की चौड़ाई है, उसमें कोई वेरिएशन, नो चेंजिंग, यानी कोई वेरिएशन उसमें हमें विड्थ में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया इसका रीजन क्या है, हमने पूरी एक क्लास बनाई थी इस पूरे इस लेक्चर पर, रीजन सहित हमने डिस्कस कर लिया है, बस यहां पर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंस है इन दोनों थ्योरीज के में, आपस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें फाइनल रिज्म की, फाइनल रिज्म में उन्होंने बताया कि बेड स्लोप और डेप्थ ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं किसमें, ऑलरेडी वेरी करते हैं इनिशियल रिज्म में, लेकिन फाइनल रिज्म एक ऐसी स्टेट होती है जो लेसी ने बताई कि फाइनल रिज्म में चैनल की विड्थ भी, यानी कि बेड स्लोप, डेप्थ और विड्थ, ये तीनों ही क्या करते हैं, एडजस्ट होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो फाइनल रिज्म में क्या था, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। लेकिन ट्रू रिज्म क्या है, ट्रू रिज्म एक हमारी आप कह सकते हैं कि ऐसा केस है जिसमें हमारा चैनल में डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाए, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए, सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट हो जाए। तो ये सब चीजें कांस्टेंट होने पर जब चैनल की हमारी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, ट्रू रिज्म कहलाती है। लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली हमारी कोई भी चैनल ट्रू रिज्म में नहीं आती है। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि लेसी ने बताया कि इनिशियल रिज्म क्या है, फाइनल रिज्म क्या है और ट्रू रिज्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम हमारी जो चैनल होती है वो फाइनल रिज्म तक पहुंचती है, और फाइनल रिज्म में आते आते वो अपना जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजोइडल ना रहकर उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा सेमी एलिप्स यानी अर्धदीर्घवृत्त की फॉर्म में आ जाता है। तो देखें जरा इसको आप लिखते हैं एक एक करके कि केनेडी ने क्या बताया कि ऐसी चैनल रिज्म चैनल कहलाती है, केनेडी के अकॉर्डिंग बताओ ऐसी चैनल, यानी केनेडी के अकॉर्डिंग रिज्म चैनल कौन सी थी, ऐसी चैनल जिनमें Neither silting nor scoring. यानी इसका मतलब ये है, ना तो silting और ना ही scoring, और ना ही, इसको मैं सिल्टिंग को इसी तरह से लिखता हूं, सिल्टिंग, ना तो सिल्टिंग हो रही है और ना ही स्कोरिंग, ना ही स्कोरिंग, स्कोरिंग को हिंदी में कहते हैं निघर्षण। तो देखें ऐसे चैनल जिनमें नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना स्कोरिंग हो रही हो, ऐसी चैनल को ही क्या बोला उन्होंने, को ही रिज्म चैनल बोला, रिज्म चैनल कहा। तो देखिए हमने बताया ऐसे चैनल जिसमें ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना स्कोरिंग हो, तो ऐसी चैनल को ही उन्होंने क्या बोला, रिज्म चैनल बोला केनेडी ने। लेकिन लेसी ने बताया कि इतना होने के बावजूद, यानी ऐसे चैनल जिसमें ना तो स्कोरिंग हो रही हो ना सिल्टिंग हो रही हो, उसके बावजूद भी चैनल जरूरी नहीं है कि वो कैसी हो, हमारी रिज्म में हो। तो इन्होंने बताया कि ऐसी चैनल
ऐसी चैनल जिसमें ना तो सिल्टिंग और ना ही स्कोरिंग हो रही हो, आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि वो रिजिम में हो, जरूरी नहीं है कि वह रिजिम में हो। जब कैनेडी ने अपना प्रैक्टिकल किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अपर बारी जो हमारा दोआब कैनाल सिस्टम था उस पर उन्होंने रिजम जब प्रैक्टिकल किया, अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, तो उन्होंने देखा कि ऐसे चैनल जिसमें ना तो सेल्टिंग हुई है ना स्कोरिंग हो रही है, तो उन्होंने ऐसे चैनल को रिजम चैनल बोला। लेकिन कैनेडी की थ्योरी में लेसीज ने कुछ कमियां निकाली और अपने कुछ प्रस्ताव रखे, और उन्होंने बताया कि जरूर नहीं है ऐसा चैनल जिसमें ना तो सेल्टिंग हो रही हो ना स्कोरिंग नहीं हो रही हो, जरूरी नहीं है कि वो रिजम में हो। तो उन्होंने इस रिजम की तीन कंडीशंस डिफाइन की। सबसे पहली थी हमारी इनिशियल रिजम। उन्होंने बताया कि कैनल डायरेक्टली कोई फाइनल रिजम में नहीं आती है, सबसे पहले क्या करती है वो इनिशियल रिजम में आती है, और इनिशियल रिजम में क्या होता है हमारा बेड स्लोप एंड डेप्थ क्या करते हैं वेरी करते हैं, यानी चेंज होते हैं या आप कह सकते हैं वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन नो चेंज इन विड्थ ऑफ चैनल, लेकिन चैनल की विड्थ में क्या होता है हमारा कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसमें इनिशियल रिजम में क्या होता है हमारा बेड स्लोप इंक्रीज होता है और इसकी वजह से डेप्थ भी हमारी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रीजन अगर आपको समझना है इसका रीजन, तो इसका एक डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं, उसमें रीजन सही बताया कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल रिजम की, तो फाइनल रिजम में क्या होते हैं हमारे ये तीनों ही एडजस्ट होते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उन तीनों में ये क्या हो जाते हैं हमारे एडजस्ट होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं चेंज होते हैं। तो यही हमारा क्या है कि चैनल हमारा फाइनल रिजम में आता है, और चैनल फाइनल रिजम में आने के बाद उसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है हमारी सेमी एलिप्स की शेप आ जाती है, अर्ध दीर्घवृत्त उस शेप को धारण करने का प्रयास करता है। अब अगर बात करें ट्रिज्म क्या है, तो ट्रिज्म में हमारा डिस्चार्ज, देखें सी जहां लिख रहा है उसका मतलब है कॉन्स्टेंट, तो डिस्चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट हो जाए, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए किसी चैनल में। दूसरा सिल्ट चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट हो जाए, सिल्ट ग्रेड हमारा कांस्टेंट हो जाए। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ऐसी स्टेबिलिटी को हम कहते हैं ट्रिज्म, जबकि ऐसी स्टेबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं आती है। तो ओवरऑल हमने बात की रिजम चैनल की, कि कैनेडी और लेसिस थ्योरी में क्या डिफरेंस था। अब आगे बात करते हैं रिजम चैनल शेप। तो कैनेडी ने बताया कि रिजम चैनल की शेप हमारी कैसी होती है, ट्रेपेजॉइडल शेप होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रेपेजॉइडल शेप होती है, या आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि समलंबाकार आकृति होती है। और दूसरा रिजम चैनल के बारे में अगर बात करें, तो इस पर रिजम चैनल की शेप कैसी होती है, तो यहां पर हम बात करेंगे फाइनल रिजम के बाद। यहां पर हमने क्या बताया, फाइनल रिजम के बाद चैनल की शेप कैसी होती है हमारी सेमी एलिप्स शेप की होती है, यानी उस सेमी एलिप्टिकल शेप में आने की कोशिश करती है। अब ये हमने बात की, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या क्या डिफरेंस है। अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी इक्वेशन की। लेसी ने अपने सारे, चाहे वो वेलोसिटी इक्वेशन की हो, चाहे वो हमारा उसके बेड स्लोप की इक्वेशन हो, उसने अपने डायरेक्ट सारे फार्मूले अपने रिकमेंड किए, अपने प्रस्ताव दिए कि इस तरह के फार्मूले हम यूज कर सकते हैं कैनाल डिजाइन के लिए। तो इन्होंने वेलोसिटी इक्वेशन क्या दी थी, वी इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, जहां क्यू क्या है डिस्चार्ज है, पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, और एफ क्या है यहां पर सिल्ट फैक्टर है, और वी हमारे क्या है वेलोसिटी है। लेकिन इन्होंने वेलोसिटी के लिए क्या किया, कटर्स फार्मूला रिकमेंड किया, यानी कटर फार्मूला रिकमेंड किया, किसके लिए किया है। तो इन्होंने बताया कि वेलोसिटी के लिए हम कटर फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि कैनेडी थ्योरी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कटर का फार्मूला रिकमेंड किया, उन्होंने कटर का फार्मूला यूज करने के लिए बोला।
अब बात करते हैं बेड स्लोप की। तो बेड स्लोप यानी कैनाल में हमारा जो बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नो इक्वेशन प्रोवाइड बाय कैनेडी यानी कैनेडी द्वारा कोई भी इक्वेशन प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन बेड स्लोप की लेसी ने एक इक्वेशन प्रोवाइड की। वो इक्वेशन हमारी क्या थी, एस इक्वल टू एस यहाँ पर क्या है बेड स्लोप एफ की पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू की पावर 1/6। ये हमारी इक्वेशन थी किसकी, बेड स्लोप की। अब आगे बात करें तो आप देख रहे हैं जगह जगह हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन दोनों थ्योरी को हमने अलग से डिस्कस किया, तब भी इन सब पॉइंट्स पर बात की थी। आगे अगर हम बात करें कैनेडी तो थ्योरी है जो प्रोसेस है वो कैसा है, ये हमारा एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। यानी कि कैनेडी थ्योरी में आप क्यों है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर हमारा ये प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। अब देखा जाए ध्यान से ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इसका वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं तो उस फार्मूले में हमें देखने को मिला कि इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो सीधे से किसका होता है, डेप्थ से होता है। जब कैनाल को डिजाइन करते हैं तो डेप्थ को हम एज्यूम करते हैं, हमें ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैनाल का डिजाइन सही आया नहीं आया। तो इसमें कई तरीके की और भी बी अपॉन डी रेशियो की जो टेबल है उनको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं ट्राई करते हैं, फिर उसमें हम एरर फाइंड होगी, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं डेप्थ को एज्यूम कर करके हम ट्राई करते हैं चैनल के सेक्शन को डिजाइन करने के लिए। तो हम यही बोला कि कैनेडी जो थ्योरी है उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, हमारा ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। लेकिन लेसी की थ्योरी का जो प्रोसेस हमारा कैसा है, डायरेक्ट प्रोसेस है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लेसी थ्योरी का जो प्रोसेस है वो कैसा है, डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस है एक कैनाल डिजाइन का। आगे अगर बात करें कि इसकी वेलोसिटी का रिलेशन किससे है, तो देखें जरा यहां पर हम बात करेंगे कैनेडी की, कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी, कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन किससे है, का रिलेशन कैनाल डेप्थ से है, कैनाल डेप्थ से है जबकि वो पूरी भर के बह रही है। यानी कि हम ये बात कहेंगे कि V नॉट इक्वल टू हमारा क्या था 0.55 D की पावर 0.64 इससे है। तो इसमें देखें रिलेशन वेलोसिटी का किससे है, वेलोसिटी का रिलेशन हमारा 0.55 D की पावर 0.64। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो लेसीज थ्योरी में, लेसीज थ्योरी में वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन किससे है, देखें v बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला वेलोसिटी v बराबर हमारा फार्मूला होता है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। और एक और फार्मूला हमारा v का है क्या, v इक्वल टू 10.8 r की पावर 2/3 और s की पावर 1/3। तो देखें यहां पर जरा हम कह सकते हैं कि जो लेसीज थ्योरी में जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो स्लोप से भी है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप से भी है, और हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ से भी है, और हमारा सिल्ट फैक्टर और डिस्चार्ज से भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो हमारा वेलोसिटी का रिलेशन है वो किससे, सिर्फ इसमें डेप्थ से रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके एडीज के बारे में। तो कैनेडी ने बताया एडीज के मतलब भंवरे, जब बताया कैनेडी ने बताया कि जब चैनल में पानी फ्लो होता है तो जो चैनल में जब पानी फ्लो होता है तो उस पानी का जो टकराव होता है वो बेड से भी होता है और साइड से भी होता है। तो उन्होंने बताया कि जब फ्लो होता है तो टकराता है पानी बेड से भी, यानी बेड से भी पानी टकराएगा और साइड से भी पानी टकराएगा, तो उस केस में फ्रिक्शन डेवलप होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारी एडीज यानी भंवरें डेवलप होती हैं, भंवरें उत्पन्न होती हैं। तो कैनेडी ने बताया कि जो भंवरें उत्पन्न होती हैं वो कहाँ से होती हैं, सिर्फ बॉटम सरफेस से उत्पन्न होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एडीज फॉर्म होती हैं, एडीज फॉर्म होती है किसमें, कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ बेड से यानी बॉटम सरफेस से, लेकिन साइड से नहीं होती है। उसका रीजन क्या बताया अभी देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कैनेडी ने बताया कि एडीज चैनल बेड से उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं, फ्लो की वजह से फ्रिक्शन होगा तो एडीज चैनल बेड से उत्पन्न होती हैं। अब इन्होंने बताया कि साइड से इसलिए उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि साइड से जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इन दोनों की डायरेक्शन हमारी कैसे, इस तरीके से डायरेक्शन है, तो इसके जो एडीज का जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें ये कैसे करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, तो इसका इफेक्ट हमारा एडीज पर नहीं पड़ता है। तो इन्होंने बताया, कैनेडी ने क्या बताया कि जो चैनल में एडीज उत्पन्न होती है, भंवरें उत्पन्न होती है, वो कहां से होती है, सिर्फ चैनल बेड से। तो ये हमारा क्या है, नीचे बॉटम में आप देख रहे हैं बॉटम सरफेस, ये हमारी चैनल बेड है। तो एडीज कहां से फॉर्म होती है, सिर्फ चैनल बेड से। लेकिन लेसी ने बताया
कि एडीज जो है, लेसी ने क्या बताया, लेसी ने बताया लेसीज थ्योरी में, लेसी ने बताया कि एडीज चैनल बेड एंड साइड एंड साइड्स दोनों से उत्पन्न होती हैं, दोनों से उत्पन्न होती हैं, इन दोनों से जेनरेट होती हैं, होती हैं। ऐसा क्यों, देखें उन्होंने बताया कि एडीज फॉर्म होती है बॉटम से भी, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब पानी हमारा साइड से टकराता है तो इसमें हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। देखें जरा यहाँ पर, जब हमारा वाटर, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये भी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये भी हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो उन्होंने बताया, लेसी ने बताया कि जब एडीज, जब पानी बहता है तो फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉटम के साथ साथ एडीज जो फॉर्म होती हैं वो हमारी साइड से भी फॉर्म होती है और बॉटम से भी फॉर्म होती है। कैसे, बॉटम से तो आपको समझ में आएगी, साइड से अगर देखें तो एडीज का जो हमारा, एडीज का अगर हम देखें वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा यहां पर भी, लेकिन अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट भी मदद करते हैं एडीज प्रोड्यूस करने में लेसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है साइड्स का, ये हमारी क्या है साइड्स हैं चैनल की, ये हमारा बेड है यानी बॉटम सरफेस है, तो बेड से भी, बेड के साथ साथ हमारी साइड से भी वर्टिकल कंपोनेंट के कारण क्या करती है एडीज फॉर्म होती है लेसीज थ्योरी में। तो ये था हमारा जनरल, हमने डिफरेंस किया इन दोनों में, अब तक जो हमने पढ़ा था, सारी थ्योरीज पढ़ी उन दोनों को, हमने एक साथ देखा कि इन दोनों थ्योरीज में क्या क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में भी आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।